हेलो एवरीवन, मैं हूँ पूजा और पूजा के किचन में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लेकर आए गुल्लर की सब्जी की रेसिपी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनने वाला है ये। तो देखिए, यहाँ पे गुल्लर को अच्छे से 2 पीसेस में कट कर लिए हैं और धो लिए हैं। 3 से 4 पानी से धो लेना है इसे, और इसके बाद हम इस बाउल में डाल के बॉयल कर लेंगे। तो इसमें डाल दिए पानी और थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी नमक डाल के हम गैस पे रख देना है, और इसे 2 से 3 बार उबाल आने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देना है। तो देखिए, उबाल अच्छे से आ चुकी है, तो अब हम फ्लेम को ऑफ कर दिए और इसके बाद छन्नी में छान लेना है। तो ये जो गुल्लर है बिना बीज वाली है, अगर बीज वाली रहती है तो उसे बीज को निकाल दीजिएगा, नहीं तो सब्जी खराब बनेगा। तो देखिए, यहाँ पर फ्राई करने के लिए मस्टर्ड तेल लिए हैं, और इसे अच्छे से गर्म होने देंगे, और 2 लाल सूखा मिर्च, 2 लौंग और 1 तेज़पत्ता, थोड़े से साबुत धनिया और जीरा, और 1 बड़ी वाली इलायची, और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, और थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल के हम फोरन को तड़क दे देंगे। उसके बाद गुल्लड़ ऐड कर देंगे इसमें और इसे भून लेना है। इसे हम ढक ढक के भूनेंगे, और इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस सेलो फ्राई करना है। और ग्रेवी के लिए देखिए, लिए यहाँ पे प्याज, और प्याज को हम इस चॉपर मशीन में डाल के चॉप कर लेंगे, और 2 टमाटर, उसे भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे इसी तरह से। देखिए, प्याज अच्छे से चॉप हो चुकी है। अब गुल्लर भी हमारी भून चुकी है, तो इसे अब ज्यादा नहीं भूनना है, और इसमें डाल देंगे प्याज और प्याज सॉफ्ट होने तक भून लेंगे ढक ढक कर, कि ताकि गुल्लर भी पक जाए और प्याज भी गल जाए। तो देखिए, प्याज गल चुकी है, तो अब हम इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ टमाटर और साथ ही स्वाद अनुसार नमक। और ढक ढक के भून लेंगे। प्याज टमाटर अच्छे से भून जाने के बाद थोड़ी सी पानी ऐड किया, और उसके बाद जिंजर गार्लिक का पेस्ट 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और जीरा पाउडर डालकर हम भून लेंगे। तो देखिए, मसाला अच्छे से भून चुकी है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी हम ज़्यादा नहीं डालेंगे, क्योंकि गुल्लर भी जो है अच्छे से पक चुका है, तो हम थोड़ा सा और इसे पकाने के लिए पानी उसी अनुसार रखेंगे, और मिलाते हुए चला लेंगे, कि ताकि प्याज टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए मसाला, और इसे हम पकने देंगे। तो देखिए, सब्जी पक के तैयार हो चुकी है, और इसे ज़्यादा पतला नहीं रखेंगे ग्रेवी को, थोड़ा इस तरह से रखेंगे। इसका जो ग्रेवी गाढ़ा रहता है, मतलब सूखा सूखा टाइप का सब्जी रहेगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए, सब्जी हमारी जो है गुल्लर की बन के रेडी हो चुकी है। तो कैसी लगी हमारी रेसिपी, हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, और कमेंट करके बताइए कि हमारी रेसिपी कैसी लगी, और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा।